दोस्तों आज के तारीख में हर कोई चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाऊं, ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करूं, जो अपनी फैमिली के खर्चे उसको उठा सकूं। क्योंकि आज के तारीख में आप लोगों को पता है कि जो भाई 10-15 हज़ार की नौकरी करते हैं उनकी जैसे सैलरी आती है भाई उसी दिन सैलरी उनकी खत्म होती है। तो ऐसे कई सारे जो हमारे जो भाई है जो हमारी वीडियोज दिखते हैं जिनकी सैलरी आज की तारीख में 10 से 15 हज़ार रुपये, और वो कहीं ना कहीं हमारी वीडियोज देख के कहीं ना कहीं हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि सचिन भाई हम भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, हम भी मेहनत करना चाहते हैं। क्योंकि 12 घंटे तो नौकरी में हम लोग देते ही है, ऊपर से 2 घंटा आना जाना, यानी कि लगभग 14 घंटे हमारे जो हम समय देते हैं नौकरी को, कहीं ना कहीं उससे ज्यादा अगर समय इस गाड़ी लाइन में देंगे तो हम उससे ज्यादा अर्न कर सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, अच्छा खासा अपनी फैमिली को सर्वाइव कर सकते हैं। तो कई सारे जो ऐसे भाई है जो कमेंट करते हैं, बट दिक्कत आती है यहाँ पे पैसे की, सचिन भाई लेकिन हम यहाँ पे नई गाड़ी नहीं ले सकते, तो प्लीज हमें सजेस्ट कीजिए, हमें गाइड कीजिए कि सचिन भाई अगर हम सेकेंड हैंड गाड़ी लेना है तो उसके बारे में प्लीज गाइड कीजिए, उसके बारे में क्या क्या हमें सावधानी रखनी और गाड़ी कहाँ से लेनी, तो सचिन भाई प्लीज हमें बताइए। और सही बात है उन लोगों का भी कि अगर नई गाड़ी अगर हम लेते हैं तो नई गाड़ी में ईएमआई लगता है 4 से 5 साल का, लेकिन कई सारे जो ऐसे भाई है कि अगर हमें सेकेंड गाड़ी अच्छी मिल गई तो एटलीस्ट हमें ईएमआई का टेंशन नहीं होगा, जो पैसे कमाएंगे हम उससे हमारा घर चलाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कई सारे जो भाई है उनके मन में जो ऐसे डाउट्स होते हैं, काफी सारे जो ऐसे भाई है जो ये प्लान कर रहे हैं और ये गाड़ी लाइन में आना चाहते हैं अपनी जो 10-12 हज़ार की नौकरी छोड़ के और सेकेंड गाड़ी में इन्वेस्टमेंट करके अपना काम करना चाहते हैं। तो आज उसी सारे सवालों का मैं आज की वीडियो में गाइस जवाब देने वाला हूं कि अगर आप सेकेंड गाड़ी लेते हो तो आप उससे कितना पैसा कमा सकते हो, उससे क्या फायदा होगी, उससे क्या नुकसान होगा भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और सेकेंड गाड़ी कहां से लेना है, कैसे लेना है, उसमें क्या देखना है कि उसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, आज सब आज की वीडियो में गाइस मैं बताने वाला हूं। तो प्लीज आप लोगों के डिमांड पे इस वीडियो को मैं बना रहा हूं, तो प्लीज वीडियो को गाइस अभी से लाइक करना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो गाइस काफी सारे जो ऐसे हमारे जो भाई है पिछले कई दिनों से कई महीनों से हमारे वीडियोस देखते हैं, काफी सारे लोगों की वीडियोस देखते हैं और कहीं ना कहीं मन में लालच आ जाती है कि सचिन भाई 10-12 हज़ार की नौकरी है, 12 घंटे हम वहां पे समय दे रहे फिर भी हमारा घर नहीं चल रहा है, अगर हम इस फील्ड में आएंगे तो हम इसमें कितना अर्निंग कर सकते हैं। एटलीस्ट उनके मन में ये तो होगा कि आज इतनी सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं कि जो 10-12 हज़ार की नौकरी है उससे कहीं ना कहीं हम ज्यादा ही ले सकते हैं। बट गाइस पिछले जब से मैं यूट्यूब पे आया, जब से मैंने ओला उबर में मैंने काम करना चालू किया, मेरे हर एक वीडियो में गाइस मैंने यही चीज आप लोगों को बोला कि अगर आपको सेकेंड हैंड इस फील्ड में आना है तो नया गाड़ी ही आप लो, सेकेंड गाड़ी में काफी सारी परेशानी होती है, काफी सारी दिक्कत आती है, तो आप फिर वही डिमोटिवेट हो जाएगी। बट कहीं ना कहीं जो भाई ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं और उनके पास सही में जो गाड़ी लेने के लिए जो फंडिंग लगता है, जो पैसा लगता है, जो मनी लगता है, वो उनके पास है नहीं, तो कहीं ना कहीं जमाया हुआ पूंजी इकट्ठा करके सेकेंड गाड़ी लेने में इंटरेस्ट है, तो वही आज उन लोगों के लिए टिप्स देना चाहता हूँ। तो ध्यान से सुनना और वीडियो को एंड तक देखना गाइस, वीडियो को स्किप मत करना। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करूंगा अगर आप लोगों को सेकंड गाड़ी लेना है तो आप कहां से ले, तो गाइस सबसे पहला काफी सारे जो ऐसे भाई है जो सबसे पहला जाते हैं जो डीलर मतलब जो शोरूम्स होते हैं, आज की तारीख में आप लोगों को पता है हर एक जगह पे आपको जो सेकेंड हैंड जो कार्स के जो डीलर्स होते हैं जो शोरूम होते हैं, तो काफी सारे भाई वहीं पे जाते हैं और भाई वहां से गाड़ी लेते हैं। तो गाइस ये सबसे पहला गलती आप लोगों का है जो नहीं करना है, क्योंकि गाइस जो डीलर के पास जो गाड़ी जाती है ना वो गाड़ी कहीं ना कहीं मतलब समझो जो इन्वेस्टर या जिसकी बजीज भाई की गाड़ी है उससे सेल नहीं होती है, तब जाके वो बंदा डीलर्स को गाड़ी जाके देता है, ठीक है, तब जाके डीलर्स भाई अपना उस गाड़ी को डेंटिंग पेंटिंग जो भी गाड़ी में छोटा मोटा काम है उसको अच्छे से करके पॉलिश बुलिश लगा के उस गाड़ी को सेल में रखता है, और जो उस गाड़ी की कीमत होती है उससे कहीं ना कहीं आपसे उससे ज्यादा पैसा लूटा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को गाइस ये गलती नहीं करना, अगर आप सेकेंड गाड़ी लेते हो तो भाई ऐसे बंदों से लेना जो आपके पहचान में हो, या फिर ऐसे कई सारे जो ड्राइवर्स भाई है उनके कॉन्टेक्ट में ऐसे कई सारे गाड़ियां होती है जो इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर कहते हैं कि भाई ये मेरी गाड़ी है आप मुझे इससे निकाल के दो, तो मैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही बोलूंगा कि भाई गलती से भी डीलर्स के पास मत जाना, डीलर्स के पास जाओगे तो गाइस आप पछताओगे, आपको रोना आएगा, क्योंकि जो डीलर्स है भाई वो कहीं ना कहीं दो पैसे कमाने के लिए वहां पे बैठा है, इतने लोगों का स्टाफ लेके बैठा है, शोरूम लेके बैठा है, दुकान का भाड़ा लेके बैठा है, तो भाई वो आपको 2% 1% में आपको गाड़ी नहीं देगा, कहीं ना कहीं उस गाड़ी के पीछे आपका अच्छा खासा मोटा रकम आप लोगों से निकलेगा। तो कोशिश यही कीजिए कि अगर आप लोग को सेकेंड गाड़ी में इन्वेस्टमेंट करना है, सेकेंड गाड़ी लेके आप ओला उबर में काम करना चाहते हो, तो ऐसे कोई जो ड्राइवर भाई जो आपके नियर बाय जो आपके पहचान में हो, ठीक है, जिससे आप भरोसा कर सकते हो, ऐसे ड्राइवर्स के पास जाइए और
पूछे उनको कि मुझे सेकेंड गाड़ी चाहिए तो मुझे सेकेंड गाड़ी कहाँ से मिलेगा। ठीक है गाइज, अगर आप सेकेंड गाड़ी लेते हो तो उसमें क्या क्या आपको देखना है। गाइज सबसे पहली बात, आपको अगर आप सेकेंड गाड़ी लेते हो और ओला उबर में काम करना चाहते हो तो गाइज सबसे जरूरी बात है कि आपका जो गाड़ी का किलोमीटर, जो गाड़ी का रनिंग है वो कम से कम 70,000, 80,000, 90,000 तक की गाड़ी चली हुई होना चाहिए। उससे अगर गाइज ज्यादा लेते हो गाड़ी किलोमीटर, ज्यादा रनिंग में हुई मतलब ज्यादा चली हुई गाड़ी लेते हो तो गाइज कहीं ना कहीं आपको 30,000-40,000 किलोमीटर के बाद कहीं ना कहीं आपके गाड़ी को काम आना चालू होगा और फिर वही प्रॉब्लम कि भाई मैंने गाड़ी तो ली लेकिन गाड़ी में मुझे काम आ रहा है। ठीक है, इसके लिए मेरे वीडियो में तो गाइस मैं हर बार बोलता हूं कि सेकंड गाड़ी का जो मुझे एक्सपीरियंस है वो मतलब बुरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं सेकंड गाड़ी हमेशा लोगों को कहता हूं कि भाई दो पैसा डाल के नया गाड़ी लेना, बट सेकंड गाड़ी मेरी रिस्क होता है। बट कई सारे जो ऐसे भाई है जिनको जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है तो कहीं ना कहीं भाई सेकंड गाड़ी लेके एटलीस्ट शुरुआत तो करें और उसी शुरुआत से कहीं ना कहीं आगे जाके हम नई गाड़ी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजों को ध्यान में रखना अगर सेकेंड गाड़ी लेते हो तो। कई ऐसे जो ड्राइवर्स भाई है उनके जान पहचान में गाड़ी लेना। दूसरी कि आप अगर आप कोई भी गाड़ी लेते हो तो भाई लाख मतलब 70,000-80,000, 90,000 मतलब 80,000 तक की मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि उसके बाद गैस फिर कहीं ना कहीं गाड़ी में काम निकलता है। ठीक है, और जब भी आप गाड़ी लेने जाओगे गैस कई सारे जो ऐसे लोग है जो भाई आज की तारीख में गैस जो गाड़ी का किलोमीटर होता है ना भाई उसको भी उसमें भी गैस जुगाड़ होता है, जुगाड़ करते काफी लोग है भाई, मतलब समझो 1.5-2 लाख किलोमीटर अगर गाड़ी चली है और भाई वहां पे जो आप सेल करने जाते हो, सेल जब आप खरीदने जाते हो तो भाई उस गाड़ी का जो किलोमीटर हो 70,000, 60,000, 70,000 किलोमीटर गाड़ी को वो किया जाता है। ये हकीकत बात है और ये झोलझाल इस सेकेंड गाड़ी में काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो गाड़ी ऐसे ही बंदे से लेना जो भाई एक इन्वेस्टर, मतलब मैं तो ये बोलूंगा अगर गाड़ी आपको लेना है तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टिप्स जो अगर आप गाड़ी लेते हो तो भाई किसी इन्वेस्टर का गाड़ी लेना, मतलब किसी ड्राइवर भाई से चलाई हुई गाड़ी मत लेना। क्योंकि जब भी अगर कोई ड्राइवर भाई गाड़ी बेचता है तो वो कहीं ना कहीं उस गाड़ी से परेशान होता है, कहीं ना कहीं उस गाड़ी में मोटा खर्चा आता है, मोटा काम आता है, इसके लिए उस गाड़ी को वो बेचता है। तो ये चीज को ध्यान में रखना, गाड़ी लेना है तो कहीं ऐसे बहुत सारे जो ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने गाड़ियां लेके रखी उनको ड्राइवर्स नहीं मिलते, उनकी गाड़ी ड्राइवर्स बराबर नहीं चलाते तो वो गाड़ी घर के नीचे खड़ी होती है, उनकी सोसाइटी में खड़ी होती है। तो ऐसे गाड़ियों पर टारगेट करना, ऐसे ड्राइवर्स को पूछना कि ऐसे कोई अगर गाड़ी कोई मुझे मिले तो ऐसे गाड़ी मुझे बताना, ताकि आप अगर कोई सेकेंड गाड़ी लोगे ना गाइस तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है बात करेंगे कि जिसमें पेपर की, तो पेपर गाइस काफी सारे होते हैं, आप ऑनलाइन में भी चेक कर सकते हो। जैसे कि गाइस क्योंकि गाड़ी लेने के बाद जो पेपर अगर समझो आपके और गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं होंगे तो गाइस उसमें भी 40-25 हज़ार का मोटा खर्चा आता है। ठीक है, तो ये चीजों को भी ध्यान में रखना सेकेंड गाड़ी जब भी लेते हो तो गाइस 1 लाख किलोमीटर अंदर की गाड़ी लेना और गाड़ी गाइस 2 या 2.5-3 साल तक पुरानी, क्योंकि ओला उबर में 8 साल पुरानी गाड़ी अटैच नहीं होती है। ये चीजों को ध्यान में रखना, हर एक चीज मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं पिछले 3 सालों से इस फील्ड में काम करो, अच्छा खासा एक्सपीरियंस मैंने गेन किया, वही मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। ठीक है, तो 2-3 साल पुरानी गाड़ी लेना, 1 लाख किलोमीटर के अंदर गाड़ी लेना, गाड़ी देखना कैसे गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स पूरी तरीके से चेक करना जैसे कि इंश्योरेंस है, टैक्स है, क्योंकि इसमें काफी मोटा खर्चा आता है। अगर इंश्योरेंस नहीं होता है तो उसका भी अच्छा खासा पैसा आता है। अगर समझो सामने वाले पार्टी ने अगर टैक्स नहीं भरा होगा 3-4 साल का तो गाइस हर एक गाड़ी का टैक्स का अलग होता है। जैसे कि मिनी गाड़ी का 8,000 होता है, एसयूवी गाड़ी का 12,000 होता है, सेडान गाड़ी का 10,000 लगभग होता है। तो अगर उसको आप पे नहीं करते हो ईयर टू ईयर साल के साल तो उसके ऊपर हर दिन का उसका पेनल्टी लगता है। ठीक है, अगर समझो आप कोई सेकंड गाड़ी ले तो 3 साल से टैक्स नहीं भरा तो भाई समझ लो उसके साथ में उसकी पेनल्टी भी उसके अंदर लग जाती है। तो ठीक है, ये भी चीजों को ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कि कोई बोल दिया अगर अरे यहाँ पे मुझे 1-1.5 लाख में गाड़ी मिल रही तो गाड़ी ले लूंगा, तो नहीं, गाड़ी के पूरे अच्छी तरह से आपके कोई जान पहचान वाला अगर कोई गैरेज वाला होगा तो उस समय उसको 200-500 रुपए देना और तब जाके गाड़ी को दिखाना उसको और अच्छी तरीके से गाड़ी चेक करके ले लेना। क्योंकि हमें पता है कि भाई हमारा जो एक्सपीरियंस है और जो गैरेज वाला जो एक्सपीरियंस है उनको चलाने से पता चलता है, उनको पता चलता है कि गाड़ी में क्या काम है क्या नहीं करके। तो ये चीज को भी ध्यान में रखना जब भी आप कोई गाड़ी लेने जाओगे तो एक अच्छा मैकेनिकल जो आपके जान पहचान का, जो अपने भरोसे का, जो भी सच्चाई उस गाड़ी में होगा, जो आपको क्लियर कट बताने वाला होगा, ऐसे मैकेनिक को लेके जाइए ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का आप चेक कीजिए कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या भरा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इंश्योरेंस होता है, रोड टैक्स होता है, बाकी परमिट होता है। अगर ये सारी चीजें अगर क्लियर होगी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कई सारे जो ऐसे हमारे जो भाई है सचिन भाई की हम 10-12 हज़ार नौकरी से परेशान हो गए, 12-14 घंटे वहाँ पे काम करें, हमारा घर नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ हम करना चाहते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा भाई जिस मतलब ऐसे बंदे में भी जोश है जो काम करना चाहते हैं बट उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। और कहीं ना कहीं आज की तारीख में भाई सबसे बड़ा चीज आता है वो होता है पैसा, और पैसे के बिना
कोई चीज हम काम नहीं कर सकते, अगर कोई भी चाहे वो बिजनेस हो या कोई भी काम हो, हम बिना पैसे के काम नहीं कर सकते। तो काफी लोगों के, काफी जो हमारे जो व्यूअर्स, जो हमारे सब्सक्राइबर्स है, जो हमारी वीडियो देखते हैं, उनके काफी दिमाग में होता है कि हम सेकेंड गाड़ी लेंगे तो उसमें कितना अर्निंग करेंगे। तो गाइस, गाड़ी सेकेंड हो या नहीं हो, आप अर्निंग आपके ऊपर है, क्योंकि ओला और उबर, अगर गाड़ी आपकी अटैच होती है ओला उबर में, गाड़ी अच्छी होती है, गाड़ी अच्छी कंडीशन में होती है, तो ओला नई गाड़ी में भी उतनी बुकिंग देता है, जूनी गाड़ी में भी उतनी बुकिंग देता है। आपके परफॉर्मेंस के ऊपर है, आप कितना दिन में बुकिंग को लेते हो, कितने बुकिंग को एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। गाड़ी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता है कि नई गाड़ी और जूनी गाड़ी को ज्यादा बुकिंग मिलता है, ठीक है। बट अपना काम है कि गाड़ी को साफ सुथरा रखना, गाड़ी को अच्छी तरीके से क्लीन रखना, और आपका सबसे इम्पोर्टेंट है आपका जो जो आपका जो ओला का उबेर का जिस भी आपका जो आईडी होगा उसको अच्छे से रखना, उसमें परफॉर्मेंस आपका अच्छे से होना चाहिए। तो आपको चाहे गाड़ी नई हो चाहे गाड़ी जूनी हो, आप अपने मन में, आप अपनी मेहनत से उसमें ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। काफ़ी लोगों ने मुझे एक कमेंट, काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सचिन भाई, हम नई गाड़ी लेके ईएमआई का टेंशन नहीं पालना चाहते, सेकेंड जो भी गाड़ी मिले 2-3 लाख 4 लाख में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन 4 साल का हमें जो ईएमआई का जो टेंशन होता है वो हमें नहीं होगा। बट गाइज, यही बताना चाहता हूँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो या कर रहे हो, तो गाइज यही बोलूंगा कि अगर आप कोई भी सेकेंड गाड़ी लेते हो तो अच्छी तरीके से देखना। अगर मैं तो ये बोलूंगा, अगर आप गाड़ी लेते हो तो जो इन्वेस्टर होगा ना गाइज, उनके पास आप टारगेट करना, उनके पास से गाड़ी लेना, 100% आपको गाड़ी अच्छी मिलेगी। कोई भी चलाए हुआ ड्राइवर अगर आपको गाड़ी बेचता है तो भाई कहीं ना कहीं वो गाड़ी में डिफॉल्ट होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, इसीलिए वो बंदा, इसीलिए वो ड्राइवर उस गाड़ी को बेचता होगा, ठीक है। तो जो भी आपको गाड़ी लेना है सेकेंड हैंड में, मिनी लो, सेडान लो, एसयूवी लो, जो भी आपको लेना है, गाड़ी अच्छी देख के लेना। बात करेंगे टी परमिट कार, आपको डीलर से लेना नहीं है, अगर आप डीलर से लेते हो तो कहीं ना कहीं डीलर आपको 2% कमीशन के चक्कर में आपसे हजारों रुपए लूट लेगा। तो ये चीज को भी ध्यान में रखना। काफी सारे भाई इस फील्ड में आना चाहते हैं, सेकेंड गाड़ी से शुरुआत करना चाहते हैं, उन सभी लोगों को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट है, बेस्ट ऑफ लक है, मेहनत करो, अच्छा खासा अर्निंग है, अच्छा खासा बिजनेस है, आप इसमें काम कर सकते हो। पिछले 3 सालों से गाइस मैं भी इस फील्ड में आया हूँ और अभी तक इस फील्ड में मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, ठीक है। काम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत ज्यादा है, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो इस बिजनेस में आपका वेलकम है। बाकी भाई जो सोचते हैं कि ऐसी गाड़ी में बैठ के हम भी 2-3 हजार कमा सकते हैं, कहना और करने में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है गाइस। तो आई होप मैंने आप लोगों को बताया कि भाई अगर सेकेंड गाड़ी लेते हो टी परमिट, तो किन बातों का आपको ध्यान में रखना है और कहां से आपको गाड़ी लेना है। गाड़ी और गाइस बताना चाहते हो, ओलेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ओलेक्स पे भी आपको अच्छी खासी गाड़ियां मिलती है, बट जहां पे भी आप रहते हो नियर बाय में, वहां पे अच्छे से सर्च करना, कोई घाई मत करना, अच्छे से मैकेनिक को लेके जाना, अच्छे से सब होने के बाद में आप उस गाड़ी को लेना, ठीक है। काफी लोगों के मन में डाउट होता है ना कि सचिन भाई हम सेकंड में भी कमा सकते हैं, बस आपकी गाड़ी अच्छी होनी चाहिए। आखिर में तो यही बोलूंगा भाई, बिजनेस अच्छा खासा है, बिजनेस हम कर सकते हैं, मेहनत करेंगे तो उतना पैसा कमा सकते हैं। तो कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी से नए वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।